Hello everyone! Welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is Marcus Theory, which is taken from MSc third semester Chemistry, and the subject is Physical Organic Chemistry. First of all, we will discuss synopsis in which we will study introduction of Marcus theory, definition, potential function, and surface bond stretches, Marcus theory, Morse potential, example of Morse potential, Marcus equation, Marcus theory applied to electron transfer, conclusion, and reference. Introduction. मार्कस थ्योरी इज़ अ थ्योरी ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रुडोल्फ ए मार्कस स्टार्टिंग इन 1956 टू एक्सप्लेन द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन इंट्रोडक्शन में दिया है मार्कस थ्योरी के बारे में तो इसमें क्या बोल रहा है कि मार्कस थ्योरी को डेवलप किया था रुडोल्फ रुडोल्फ ए मार्कर्स ने नाइनटीन में और ये मार्कर्स थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन के रेट को रेट मीन्स यहाँ पे क्या होता है स्पीड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होते हैं मीन्स यहाँ पे ऐसे रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो उनके रेट को बताने के लिए कि लाइक किस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो इस चीज़ को बताने के लिए मार्कस थ्योरी को यूज़ किया जाता है डेफिनेशन ऑफ मार्कस थ्योरी तो फर्स्ट है यहाँ पे दी रेट एट विच एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव और जंप फ्रॉम वन केमिकल स्पीसीज टू अनदर ठीक है यहाँ पे क्या बोल रहा है डेफिनेशन में मार्कस थ्योरी में क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि मार्कस थ्योरी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के रेट को बताने के लिए तो इसमें क्या बोल रहा है रेट जिसमें जब ऐसा रेट मतलब ऐसा स्पीड जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है या फिर जंप करता है एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज में उसको बताने के लिए मार्कस थ्योरी को यूज किया जाता है ठीक है तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव या फिर जंप कर रहा है एक केमिकल स्पीसीज से तो जिससे वो जंप कर रहा है या फिर मूव कर, कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं और जो पर वो कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं तो वो जहां से करके जा मूव होकर जा रहा है मतलब डोनर से एक्सेप्टर में जब वो जा रहा है तो वो किस रेट पर जा रहा है तो उसको स्टडी करते हैं मार्कस थ्योरी में ठीक है इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म्यूलेटेड टू एड्रेस आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन विच दी टू केमिकल स्पीसीज ओनली चेंज इन देयर चार्ज विद एन इलेक्ट्रॉन जंपिंग ठीक है अब यहां बोल रहा है कि मार्कसो को जनरली यूज किया जाता है आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन तो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन जनरली दो टाइप का होता है एक होता है आउटर स्पेयर एक, 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 एक होता है इनर स्पेयर तो यह जो मार्कस थ्योरी है ना इसको मेनली यूज किया जाता है आउटर स्पेयर में जहां पर दो केमिकल स्पीसीज होती है ना उनमें क्या होता है चेंज होता है इलेक्ट्रॉन का जंप होता है तो उनके सिर्फ चार्ज में चेंज होता होता है मतलब वहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है बस वहाँ पे क्या होता है जो उनके चार्जेस होते हैं ना उनमें चेंज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण उसको आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बोलते हैं और जनरली आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ही यूज़ किया जा में ही यूज़ किया जाता है मार्कस थ्योरी को उनका रेट निकालने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर से एक्सेप्टर में कितने स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनका रेट क्या है उसको निकालने के लिए मार्कस थ्योरी को यूज़ किया जाता है Potential function and surfaces bond stretches. Uh, for a simple molecule, the homolytic cleavage of a bond that defines the bond dissociation energies is a chemical reaction that can be related to a normal mode within the molecule. Normal modes are the vibrational degree of freedom that a molecule has, namely stretches, bends, wedges, torsions, etc. Each has its own fundamental frequency. The structure of molecule are not static but are dynamic. Instead, each fundamental frequency is described by a potential function. Okay, now

एनर्जी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही कहलाता है जहाँ पर क्या जो कि रिलेटेड होता है मोलिक्यूल के नॉर्मल मोड के साथ और नॉर्मल मोड जो होता है वो क्या होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम जैसे कि उसमें स्ट्रेचेस होंगे बैंड बैंडस होंगे वे वेग्स एंड टॉर्सियंस ये सारी चीज़ें होंगी तो ये सारी चीज़ें आती है मोलिक्यूल के नॉर्मल uh, मोड्स में और जितना भी मॉलिक्यूल होता है उसका खुद का एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होता है और मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं होता है डायनामिक होता है और जितना भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो डिस्क्राइब होता है उसके पोटेंशियल फंक्शन से मार्कर्स थ्योरी ए जनरल रिएक्शन डिपेंड अपॉन दी ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल मोड एंड दैट दीज मोड्स बिकेम कपल एंड इंटरकन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर ड्यूरिंग अ रिएक्शन यूजिंग मार्कर्स थ्योरी दी शेप एंड इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलाज आर डेटर माइंड वाई द फ्री एनर्जी चेंज एंड द इंट्रेंसिक बेरियर डेल जी आई एंड टी स्टार प्लस प्लस दी इंटरेंसिक बेरियर्स इज एन एवरेज ऑफ द बेरियर फॉर ऑल फॉर दी सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन ठीक है अब मार्कर्स थ्योरी में एक्चुअली क्या बोल रहा है ठीक है ठीक वो सब जो था वो बेसिक था कि मार्कस थ्योरी को पढ़ते किस में लेकिन एक्चुअल में मार्कस थ्योरी क्या कैसे मेजर करता है रेट को तो क्या बोल रहा है कोई भी केमिकल रिएक्शन वो डिपेंड करता है वाइब्रेशनल मोड के ओवरलैप पे ठीक है फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मोड जो होते हैं ना वो कपल्ड होते हैं और इंटरकनवर्ट ठीक है जब भी ओवरलैप होगा तो ओवरलैप होने के कारण वहाँ पे कपलिंग होगी कपलिंग होने से क्या होगा कि एक एक जो जो है न, एक जो है ना वो रिएक्शन रिएक्शन के टाइम पे मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मार्कस थ्योरी को यूज करके ये जो रिएक्शन हो रहा है ना उसका शेप और जो का इंटरसेक्शन होता है उसको डेटरमाइन करते हैं फ्री एनर्जी चेंज को और इंट्रेंसिक बेरियर को यूज करके ठीक है मतलब पढ़ रहे थे ना कि उसके रेट को कैसे निकालते हैं तो यहां पर वही दिया हुआ है कि उसको निकालते हैं फ्री एनर्जी चेंज और इंट्रेंसिक बेरियर के हेल्प से इंट्रेंसिक बेरियर एवरेज होता है सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन के बेरियर के लिए ठीक है मीनस क्या बोल रहा है कि सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन का खुद से वहां पर एक्सचेंज जो रहा है ना तो वहाँ पे इंट्रेंसिक बेरियर को यूज़ करते हैं और फ्री एक्सचेंज फ्री एनर्जी चेंज को यूज़ करते हैं उसके रेट को डेटरमाइन करने के लिए मॉर्स पोटेंशियल ए मॉर्स पोटेंशियल इज़ अ प्लॉट ऑफ एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द आइटम्स मॉर्स पोटेंशियल जो है वो एक टाइप का ग्राफ होता है जिसको यूज़ करते हैं एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बे, बे, इसमें बताइए भी जैसे कि कि गिव्स फ़्री एनर्जी को यूज़ किया जाता है वहाँ पे एनर्जी बेरियर इंट्रेंसिक एनर्जी बेरियर होता है उनको यूज़ करके बनाते हैं निकालते हैं रेट को तो उसके लिए ग्राफ को यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉर्स पोटेंशियल जिसमें एनर्जी के बारे में बताते हैं और इसी एनर्जी से ही पता चलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का रेट अब मॉर्स पोटेंशियल के कुछ ग्राफ को लेकर उसके एग्जांपल देखेंगे मीन्स कैसे कैसे टाइप के ग्राफ फॉर्म हो सकते हैं मार्कस थ्योरी के टाइम पर तो फर्स्टली है दी जस्ट द मॉर्स पोटेंशियल द फॉर दी टू बॉन्ड वन इन दी स्टार्टिंग मटेरियल सी बी आर एंड वन इन दी रिएक्टेंट सी डी ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जैसे एग्जांपल ले रहे हैं सी बी आर एन सी ओ का ठीक है सी बी आर बॉन्ड का एंड सी ओ ब्ड का यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है एक जो होगा रिएक्टेंट होगा एक जो है वो प्रोडक्ट है मतलब यहाँ पे कार कार्बन जो है ना वो बी के साथ है जिसमें क्या होगा बी जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये दो जो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है इन दो के बीच में कैसे कैसे टाइप से ग्राफ जो है वो फॉर्म होंगे कैसे कैसे टाइप से एनर्जी डिफरेंस होगा जिससे कि उनका केमिकल रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट को निकालेंगे तो आगे देखेंगे किस किस टाइप से इसमें ग्राफ जो है वो फॉर्म हो सकता है जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा तो फर्स्ट केस है मॉर्स पोटेंशियल का जब दो रिया जब दो मॉलिक्यूल मीन्स एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब दो मॉलिक्यूल इंटरसेक्ट होते हैं तब वहाँ पर कैसे टाइप का ग्राफ बनता है तो इसमें सबसे फर्स्ट ये है दी ओवर ऑफ द टू मॉर्स पोटेंशियल नाओ मॉडल्ड एज पैराबोल सो दैट दे इंटरसेक्ट एट द इंट्रेंसिक बेरियर इन दिस ग्राफ टू पैराबोलर्स दैट इंटरसेक्ट एट अ बेरियर ऑफ थर्टी टू पॉइंट एट किलो कैलरी पर मोल नाओ दी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड फ्री एनर्जी वॉट इन टू प्ले इन स डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टू थर्टी फोर किलो कैलोरी पर मोल ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि जब दो मॉलिक्यूल इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं ना तो नीचे लोएस्ट पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका एनर्जी बेरियर इंट्रेंसिक बेरियर कहलाता है तो इस अगर एक केस ऐसा बनेगा जहां पर सिर्फ इंट्रेंसिक एनर्जी जो है वो थर्टी टू पॉइंट एट किलो कैलरी पर मूल होगी तो उस टाइम पर ग्राफ जो है वो इस टाइप का फॉर्म होगा ठीक है के जैसा दिख रहा है ना बी ग्राफ तो उस टाइप का ग्राफ फॉर्म होता है हीयर इज़ दी अनदर केस कर्व सी दिस कर्व शोज हाउ द रियल बेरियर इज फाउंड बाय लोवरिंग द प्रोडक्ट टू रिफ्लेक्ट द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन ठीक है अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ना इसमें ये शो कर रहा है कि कैसे इंट्रेंसिक बेरियर जो है वो तो वहीं अपनी पोजिशन पर है लेकिन उससे उसके थ्रू जो प्रोडक्ट हो रहा है ना वो रिएक्टेंड कितना लोअर जा रहा है मतलब वहाँ पर जो दिया था डेल जी की वैल्यू वो तो नॉर्मल थी लेकिन यहाँ पर क्या होते जा रहा है डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती जा रही है नेगेटिव हो रही है इन द सेंस की डेल यहाँ पे जो गिव्स फ्री एनर्जी एनर्जी का यहाँ पे रिलीज हो रहा है एक टाइप से ये जो है वो एग्जर्गॉनिक रिएक्शन हो रहा है एग्जरगॉनिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज तो पहला कंडीशन जो था वो तो सिंपल था बस वहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तो डेल जी की वैल्यू जो है वो नॉर्मल होती है लेकिन एक ऐसा केस होता है जहाँ पर इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होता है जो प्रोडक्ट होता है ना वो वो एक्जरगोनिक रिएक्शन हो जाता है मीन्स वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होने लग जाती है और उसमें डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होने लगती है

लेकिन यहाँ पे इंट्रेंसिक बेरियर नहीं है और डेल्जी नेगेटिव होगा मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी करव सी फर्दर इनक्रीजिंग द एग्जर कॉन्डिसिटी ऑफ द रिएक्शन अगेन इंट्रोड्यूजेज अ बेरियर अब यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट के से जिसमें फिर से क्या होता है जब उसकी एग्जर क्वारिसिटी को बढ़ाते हैं मीन्स डेल जी जो है वो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फिर से एक टाइम आएगा जहाँ पर बेरियर जो है वो फिर से इंट्रोड्यूसड होगा मीन्स क्या बोल रहा है पूरे ऑल ओवर में ग्राफ में यही बताया है दो चीज़ एक तो इंट्रोसिक बेरियर और एक डेल जी के बेसिस पे बताया है कि तीन तीन चार चार टाइप से ग्राफ जो है वो फॉर्म हो सकते हैं जिसके थ्रू तो हम पता कर सकते हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है उसका रेट कैसे होता है ठीक है तो सबसे पहले तो इंटरेक्ट होगा इंटरेक्ट जब भी होता है तो वहां पर एनर्जी बेरियर होना जरूरी होता है और वहां पर डेल जी की वैल्यू होनी जरूरी होती है तो लेकिन एक केस ऐसा देखे थे जहां पर एनर्जी बेरियर नहीं था तो अगर इस टाइप का केस आ जाता है ना तो वहां पर यूज नहीं कर वहां पर क्या है जल्दी से वैल्यू नहीं आ पाती रेट नहीं निकल पाता ठीक है तो इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर करके केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है उसके रेट को निकालते हैं तो ये सारे ग्राफ जो आते हैं ना ये मार्कस थ्योरी में आते हैं तो मार्कस थ्योरी के अंदर ये सारे ग्राफ के बारे में स्टडी किया जाता है ये ग्राफ को स्टडी करके किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट है उसको निकाल सकते हैं मार्कस इक्वेशन डेल जी स्टार इज इक्वल टू डेल जी स्टार आई एन टी प्लस डेल जी नॉट बाय टू प्लस डेल जी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिक्सटीन डेल जी आई एन टी इंटरेंसिक स्टार अब यहाँ पे दिया हुआ है मार्कस इक्वेशन तो जैसे प्रीवियस में दो चीज़ें चाहिए थी इंट्रेंसिक बेरियर और एक फ्री एनर्जी दोनों चीज़ चाहिए थी अगर दोनों निकलते जाएंगी दोनों क्वान्टिटी तो जहाँ पर डेल जी इंटरेंसिक की वैल्यू है वहाँ पर उसको पुट कर देंगे जहाँ पे डेल जी नॉट गिव्ज फ्री एनर्जी की वैल्यू है उसको कर देंगे वहां से ईजिली निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रेट को नेक्स्ट है मार्कस थ्योरी अप्लाई टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कि मार्कस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में अब अप्लाई कैसे करना है तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अकर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिस ट्रांसफ़र्स अकर मच फास्टर देन न्यूक्लियर वाइब्रेशन ठीक है फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अकर्स होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जो कि सबसे फर्स्ट में ही स्टडी किए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और ये जो ट्रांसफर

वहां पे चेंज होगा तो क्या होता है सेम एनर्जी रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि, आ, कि बिफोर एंड आफ्टर जो रिएक्शन हो रहा है उसके बाद एनर्जी जो है वो सेम रहे तो उसको सेम रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है उसको रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं और यही एनर्जी जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बेरियर को क्रिएट करती है मीनस जहां पर वो बेरियर जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा था एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहती है ना उसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी अनदर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दी रिओर्गेनाइजेशन एनर्जी इन दी मार्कस थ्योरी यहाँ पर एक और इक्वेशन है जो कि जो कि इन्वॉल्व कर रहा है रीआर्गेनाइजेशन एनर्जी को भी और रिऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं लैमडा से तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें रिऑर्गेनाइजेशन एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के रेट को निकाल सकते हैं Here the टॉपिक Marcus theory ऑफ electron ट्रांसफ़र is completed. If एनी वन any doubt, डाउट यू कैन me मी इन कमेंट सेक्शन और अगर किसी को पी डी एफ़ की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं और अगर नेक्स्ट टॉपिक बनाने के लिए भी अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो मेरे इनबॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ई मेल है उस मेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक बनाने के लिए और अगर पी डी एफ़ चाहिए तो उसके लिए भी वहाँ पर वो मुझे मैसेज कर सकते हैं